कंफर्म हो गया कि कौन सा है ये स्टार्च था, ये सॉल्यूशन जो भी था वो आपको सॉल्यूशन देंगे, वो बोलेंगे ये सॉल्यूशन है, इसको चेक करें कि क्या इसमें स्टार्च है या इसमें प्रोटीन है या इसमें लिपिड्स है या इसमें न्यूक्लिक एसिड है। रुकिए, मुझे अब इसमें थोड़ी सी ना हबस सा फील हो रहा है। हम इसको उतारते हैं फुल मुकम्मल रास्ते में, यहाँ पर ज़रा वीराना है तो हम बोला सोचा वीराने में उतार देते हैं उसको। बरसाती नाले बहुत ज़्यादा हैं और एक बरसाती नाला ये है क्योंकि बारिश इतनी हुई है ना, वो पानी पानी और ये पानी भी कम है, वो वहाँ तक था पानी सुबह के वक्त। तेरी मालिक की क्या ही बात है, लाइक करो, उन्हें अंदर नहीं अंदर जाना है, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम फ्रेंड्स, इट्स तौसीफ इंजॉय, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं और आफियत से होंगे। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज ना मैंने जाना था कॉलेज, आज वैसे थी छुट्टी लेकिन एक काम के लिए जाना था मुझे, लेकिन मौसम की जो सूरत हाल है ना वो बड़ी संगीन है। ये मौसम की सूरत हाल है मेरे बैकग्राउंड में, चेक करें ज़रा। रात की शदीद किस्म की बारिश हो रही है, यानी कि जो बरसात टिपिकल बरसात होती है ना वो शुरू हो गई है। कोई अंधेरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बारिश और बारिश और बारिश और बारिश। इधर से भी आपको चेक करवाते हैं, ये देखें ज़रा आसमान जो है वो अपना रंग बदल ही नहीं रहा। आखिरकार दो घंटे गुजरने के बाद मौसम कुछ साफ हुआ है, कुछ बल्कि कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर दरख्त से ना ज़्यादा तेज़ आती है बारिश। अच्छा, कुछ साफ हुआ है, ये हालत है डेरे की। डेरा नहीं घर ही है, घर है या डेरा है की बात है। पहाड़ों पर अभी भी बारिश हो रही है, पहाड़ इधर से नज़र नहीं आएंगे, जल्दी हम पहाड़ों पर जाने वाले हैं। गाय साहिबा वो अंदर रेस्ट फरमा रही हैं, इनके दिन बुरी होती है बारिश के अंदर। जामुन पक जाएंगे, रातों रात पक जाएंगे, और अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, ही आपको नज़र आ रही होंगी इसकी बूंदें। और इस बारिश में हमने फैसला किया है कि हम निकलते हैं कॉलेज के लिए। इधर में कोई चीज़ रहने की बल्कि एक चीज़ है ये लेके, जो कि प्रैक्टिकल की बुक है, क्योंकि मैंने करवाने हैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल, तो सिर्फ एक मकसद के लिए जा रहा हूँ। वैसे कॉलेज से छुट्टियाँ हो चुकी हैं, उसमें एक बुक होगी मेरे पास, फिर भी मैं ट्राउज़र पहन के जाऊँगा रेन वाला। एक है आलू, एक है प्याज। तो ये रही बाइक, ये हालत, तो निकलते हैं फिर। तो निकल आया हूँ, पुल पे खड़ा हूँ, पुल पे इसलिए रुकूँ क्योंकि आपको ये बताना था कि हमारे यहाँ ना बरसाती नाले बहुत ज़्यादा हैं, और एक बरसाती नाला ये है क्योंकि बारिश इतनी हुई है ना, वो पानी पानी और ये पानी भी कम है, वो वहाँ तक था पानी सुबह के वक्त। और इधर से ये जा रहा है जी, और ये जो बरसाती नाले हैं ना ये गिरते हैं जाके चनाब में, राय चनाब, जो कि तकरीबन इंडिया के पास ही है सारा। रास्ते में बारिश बिल्कुल रुक गई है, और हुई कितनी आप इससे अंदाज़ा लगा लें। कोटला के रास्ते में मौजूद हूँ, और चूंकि बारिश रुक गई है मुझे अब इसमें थोड़ी सी ना हबस सा फील हो रहा है। हम इसको उतारते हैं फुल मुकम्मल रास्ते में, यहाँ पर ज़रा वीराना है तो हम बोला सोचा वीराने में उतार देते हैं उसको। आपने ना खामोशी से सुननी है मेंढक की आवाज़ें, और मेंढक की आवाज़ का मतलब कि बरसात शुरू है। जब तक मैंने रेनकोट पहना हुआ था तब तक मैं इतना एक्साइटेड नहीं था सफ़र करते हुए, लेकिन जब मैंने रेनकोट उतारा है और तब जो सीन्स मुझे महसूस हुए हैं और जो फील आई है वो ठंडी ठंडी हवा की बारिश के बाद, और हर तरफ सड़क पर जाते हुए साइड ऊपर पानी और मेंढक की आवाज़ें, इस सीन ने जो मज़ा दिया ना वो मज़ा बहुत कम ही मिलता है।
और जिस रोड पर मैं जा रहा हूँ ना, एक छोटी सी लिंक रोड है, लेकिन इतने कमाल के व्यूज़ हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये कोई हाईवे है जिसके ऊपर मैं अकेला जा रहा हूँ। ऐसे हैं कि हम आए थे प्रैक्टिकल करवाने, रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी था अभी ग्राउंड में, कॉलेज के ग्राउंड में, लेकिन वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, अब जाते हुए रिकॉर्ड करूँगा। तो पहला जो प्रैक्टिकल मैंने करवाया है ना, वो है फ्रॉग की स्केलेटन की डेडिकेशन वाला। तो सेकंड प्रैक्टिकल है वो मैं करवा रहा हूँ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट वाला। अभी कुछ हमने कुछ स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर मेजर किया भी है, उसका नहीं भी किया। बेसिकली मैं ब्लॉग में अकेला इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ फीमेल स्टूडेंट्स को। अगर मैं मेल को करवा रहा होता ना, फिर मसला नहीं था, फिर लैंग्वेज भी ओवर हो सकती थी चेंज और स्टूडेंट्स भी ब्लॉग में आ सकते थे। तो चूँकि फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ब्लॉग में नहीं आ सकते, तो मुझे ही आप परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। करती हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले स्टेथोस्कोप लगाते हैं कानू में, और ये रूम इधर सिर्फ बाजू आए ये मैक्सिमम, ठीक है। दोबारा से क्लोज करके इसको इन्फ्लेट करते जाएंगे, ये चीज भी शिकार है। और इधर से हम चेक करेंगे मर्करी का लेवल, जो कि आपको नजर आ भी रहा होगा अगर वीडियो परफेक्ट बनी तो। अगर ब्लड बनी के लिए नजर नहीं आ रहा होगा, ये मेजरमेंट आई है तकरीबन 110 से लेकर 70 तक, जो कि ऑलमोस्ट नहीं बल्कि परफेक्ट नॉर्मल है। वैसे जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। चेक कर लिया मैं, अब इसको दोबारा से रखना है वापस। तो मैंने प्रैक्टिकल करवाने थे आज ब्लड ग्रुप वाला, ब्लड प्रेशर वाला, ब्लड ग्रुप मेजर करने वाले, लेकिन ब्लड ग्रुप मेजर करने के लिए जो किटें होती हैं ना एंटी सिराक की, वो एक जगह रह गई है, वहाँ से बाहर नहीं सकती। बड़ा दुख हो रहा है मुझे, अगर वो आ जाती ना तो फिर हमने ब्लड ग्रुप टेस्ट करने थे। अभी 2 दिन और प्रैक्टिकल है, अभी हम वो करने लगे हैं। उसके लिए बायो लैब का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये रहे माइक्रोस्कोप, जो कि है तो वैसे इतने काम करेंगे। मैंने एक ग्लास लाइट नहीं किया, ना कि ये भी इसमें भी डस्ट वगैरह लगी हुई है, ठीक है। अब हमने ना कोई भी जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है ना, उसको ग्लास लाइट के ऊपर रख के ना, तो उसके ऊपर हमने क्या रखना होता है, ये कवर स्लिप ऐसे रख लेनी होती है, फिर हम उसको स्लाइड को ऐसे रख के स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो या एक 5x के ये और ये 16x। अब इसको एडजस्ट करना है, दो तरीकों से एडजस्ट कर सकते हैं। एक है एडजस्टमेंट इसके जरिए, इसकी नॉब इस तरफ है ये, ठीक है, और उसको एक्यूरेट बनाने के लिए ये वाली है। जब इसको एडजस्ट करना है तो इसने मूव करना है ऊपर नीचे, बाद बार मूव करते करते ये घुस जाता है उसके अंदर ही, टूट जाता है सब कुछ, स्ट्राइक होता है, तो उसका भी ध्यान रखना। ये डिस्टिल वाटर भी है, डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसमें जीरो आयंस होते हैं। नॉर्मली जो वाटर होता है उसमें मिनरल्स आयंस वगैरह होते हैं, इसमें कोई नहीं होता है।
इसको स्टेन भी करना होता है वैसे, आपको पिंक या पिंक कलर की शायद नजर आ रहे होंगे, पर्पल या पिंक कलर के कॉपी के ऊपर वो सेल्स, तो अगर स्टेन करने हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे, स्टेन नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो हम ऐसे ही इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्कोप, अभी मैं इसके ऊपर पता क्या डालूंगा, फायर इसके ऊपर मैं डालूंगा ग्लूकोज सॉल्यूशन। मैंने क्या डाला, डिस्टिल वाटर डाला है। अगर मैं इसके ऊपर ग्लूकोज डालूंगा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन या सुक्रोज का सॉल्यूशन जैसे उन्होंने बोला भी है, तो एक्चुअली में होगा क्या, सेल है, सेल के बाहर कौन सा सॉल्यूशन है, सुक्रोज का। तो आप बताएं सेल के अंदर का मीडियम हाइपोटोनिक होगा या सेल के बाहर का मीडियम? रिपीट कर सकते आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक याद है, ऑस्मोसिस याद है, ऑस्मोसिस मतलब ब्लड वाटर पार्टिकल्स का रिजना फाइव कंसंट्रेशन में रिजना होता है। अब मैंने डाला डिस्टिल वाटर, सेल जो सेल्स थे ना जो आपको नजर आए साफ बताया गया था, सेल के अंदर का मीडियम था हाइपरटोनिक और डिस्टिल वाटर में कुछ था ही नहीं, वो प्योर वाटर था। तो बाहर का वाटर मूव किया है किसके अंदर, सेल्स के अंदर। क्लियर बात, यानी कि इन ऑस्मोसिस क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस हुई है, क्या हुई है, अगर मैं डालूंगा सॉल्यूशन कौन सा, सुक्रोज का, इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर, जब मैं सुक्रोज का सॉल्यूशन डालूंगा तो अब सेल के अंदर का मीडियम होगा हाइपो और बाहर का क्या होगा, हाइपर। तो सेल से साइटोप्लाज्म बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो हमें सेल प्लाज्मोलाइज्ड फॉर्म में नजर आएंगे, वो चीज़ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि हमें स्लाइड में नहीं दिखाएंगे, इसका जो सोर्स ऑफ लाइट था ना, जो लाइट थी एक्चुअल बल्ब था, वो मेरा जल गया उसका, ये बल्ब भी आना है लगी के तार ये ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा मैक्सिमम क्या करते हैं कि इसका काम करते हैं, एक तो गया अल्कोहल भी पड़ा हुआ था ना, वो भी ठाक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक चीज किसी भी एक्सपेरिमेंट में फॉलो नहीं की, वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इवन केसर कासम आपको दिखाएंगे, बताएंगे इसको पकड़ना कैसे है जी, रखना कैसे है, ठीक है, कहाँ से इसको होल्ड करना है, हर चीज़ वो आपको बताएंगे। अच्छा फिर आगे हमारे पास किस गाड़ी इंस्टीट्यूशन जो अभी निकाल देते हैं, एक और भी बटन आप लाइए, हो जाना चाहिए पर्पल, अगर इसका रंग हो जाता ना पर्पल तो इट मीन्स कि ये स्टार्च थी। हाथ मेरे भी शेक करते हैं, हो गया मान लिया हमने स्टार्च है। हमने रफली की है, तो ये हमारा कन्फर्म हो गया कौन सा है, ये स्टार्च था, ये सॉल्यूशन जो भी था वो आपको सॉल्यूशन देंगे, वो बोलेंगे ये सॉल्यूशन है,
इसको चेक करें कि क्या इसमें स्टार्च है या इसमें प्रोटीन है या इसमें लिपिड्स है या इसमें न्यूक्लिक एसिड है। तो चारों के टेस्ट डिफरेंट है, तो आपने चारों को अलग अलग, चारों का सैंपल टेस्ट ट्यूब में ले लेना, अलग अलग चारों के साथ टेस्ट परफॉर्म करना है, स्टार्च वाला भी लिपिड वाला भी फलाना फलाना। जिसका रिजल्ट एक्यूरेट हुआ तो मीन हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ये वो वाला बायो मॉलिक्यूल है, तो हमारा ये कन्फर्म हो गया हमारा बायो मॉलिक्यूल है स्टार्च। आज का ये काम था, तीन चार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। अब इसमें मैं आपको बड़ा कुछ सीरियस किस्म का नज़र आ रहा हूँ, शायद बोरिंग भी हूँ, तो वो चीज़ आपने वैसे इग्नोर करनी है क्योंकि ये एक्चुअल क्लास थी, ये कोई एक्चुअल व्लॉग के मकसद के लिए नहीं था, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी अफेक्ट करती है। अच्छा जी, ये रही बिल्डिंग जिसमें हमने करवाए हैं प्रैक्टिकल। जब सुबह में आया था तो इधर भी पानी था, इधर भी पानी था, इधर भी हर तरफ, लेकिन अब भी पानी ज़रा कम हो गया, वो स्टूडेंट जा रहे हैं पानी के अंदर से। तो कॉलेज से वापसी पर मैं जा रहा हूँ मस्जिद, हमारे कॉलेज के साथ ही मस्जिद है बरकात साहब की, आपने देखा होगा बरकात साहब को अक्सर मेरे व्लॉग्स में कॉलेज में। तो मस्जिद से मैंने उठाने हैं शूज़, मस्जिद में ज़रा खामोश रहना होता है। ये हमारा एक रूम है, इस रूम की चाबियाँ होती हैं मेरे पास, ये लगाई चाबी, ये खुला ताला, ये रहा जी रूम। लाइट ऑफ है, यहाँ पर मेरे पड़े हुए हैं शूज, बड़ी कीमती चीज़ है। ओहो, ये रहे जी मेरे VIP किस्म के शूज़, आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने दस लेने थे क्योंकि मैंने कॉलेज जाना नहीं है और ईद पर मुझे ये चाहिए हैं ये। अरे वाह क्या बात है, रगेड किस्म के शूज़, ये भी आपको दिखाएंगे व्लॉग के अंदर बाद में। कार साहब का नाम ले ही रहा था तो कार साहब आ गए हमारे, आए जी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आ जाओ उनके। तो पता है मैं तौसीफ आजम चाहे कोई मौलवी ही क्यों ना हो ना, असि कोई तकल्लुफ नहीं किया सर, मौलवी ने मैं थोड़ा प्रोटोकॉल देना आओ ना फिर तौलु प्रोटोकॉल, ये सारा शगल था जी आओ ना, क्योंकि इनके साथ मजाक अपने अपने किस्म का। चाय पानी क्या नहीं, दूध पत्ती, दूध पत्ती के कर दियो कुछ नहीं है, मजे कर रहे हो कार सारे ओथे कल्ले बैठे ने, तुसी इथे चिल कर रहे हो कल सर, सारी जड़ी बारिश ने रात दी हां सारी समझो कि मेरे ओथे लगती है गलियाणियों टुर रहे हैं तोड़ा है, ओए 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 बड़ा समझो कि इंजा लग, मजा आ गया, पेंजा लग गया कि कल्ले कल्ले होना किस तरह वाला, मैं कह बारिश रुक गई है हां, जूं मैं समझा भी बारिश रुक गई तो मैं निकले, जूं थोड़ा जगह निकले अच्छा बारिश ने के फिर आज ही लेना है। अरे कोई गल नहीं, रहमत है खुदा दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और के कर रहे हो, बेहतरीन मैं अपने शूज इतने पे हो लेना है, हम जा रहे हो वापस प्रैक्टिकल आना है, वहाँ से मैं आया हूँ, रुक 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 कॉलेज आया हूँ, कॉलेज में एक चीज़ भूल गया था मालिक, वो काम करना आपने, मैं जरूर काम ये करना है कि कैंपस जाना है, कैंपस में मेरा एक ट्राइपॉड स्टैंड पड़ा हुआ है 6 फीट वाला, ठीक है स्टाफ रूम में वो उठा के लाना है जी, ठीक है हूँ नहीं तेरी मालिक की क्या ही बात है, लाइक करो उन्हें, अंदर नहीं अंदर जाना है, सब्सक्राइब करो। मुंडे ने लिया नवा मोबाइल, ठीक है ब्रांड न्यू सैमसंग, मेरा स्टैंड तो लैन दस, मुझे ये चाहिए था बड़ा जरूरी ईद के दिन, तो ये होंगे है पार्टी जी हाँ, न्यू मोबाइल जोड़ा भी बंदा लेंदा साढ़े कॉलेज पार्टी, पचवंजा 55,000 अगर झूठ भी है ना तो ये आंसर है अपने मुँह से 55,000 का फोन, उस हिसाब में पार्टी, ठीक है 10,000 ईद तो बाद जे तू मुकर पार्टी, तू खैर नहीं है तेरे वाल कट देने वैसे, हम वापस आके सो गए थे, अब उठूँ इंतहाई मज़े का मौसम है,
पुरसकून, मच्छर बहुत ज़्यादा होगा वैसे, लेकिन है ठंडा मौसम। और हमारे देसी आम न पक चुके हैं, सुबह या परसों मैं अली के साथ जाऊंगा देसी आम खाने और चेक करने के ज़रा क्या सिचुएशन है उनकी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, नया लगे तो भी आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।